तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स इंडिया मोटर सर्कल अजमेर। देखिए, पटाखे जो जलाए जाते हैं मनोरंजन के लिए और अपनी खुशी का इजहार करने के लिए जलाए जाते हैं, लेकिन खुशी उस कंडीशन में है कि जब हम दूसरों को दुख न पहुंचाएं। ऐसी कोई खुशी किसी काम की नहीं है अगर किसी उसी चीज़ से हमारी खुशी के लिए कोई दूसरा आदमी दुखी हो। मेरा कहने का मतलब यह है कि पटाखे चलने से, पटाखों में बारूद होता है, साथ में धुआं होता है, ये दोनों चीज़ें हमारे फेफड़ों के लिए नुकसानदायक हैं, हमारे पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है और प्रदूषण का एक अच्छा सा कारण है। अभी जो महामारी चल रही है कोरोना की, इसमें थोड़ा सा तकलीफ यूँ हो सकती है क्योंकि हम जब भी खांसते हैं, छींकते हैं तो हमारे, अगर हम कोरोना ग्रसित हैं तो हमारे मुंह से, नाक से कोरोना के विषाणु, जिनको हम वायरस कहते हैं, वो निकलते हैं। वो रूटीन में अगर कुछ सब कुछ ठीक रहे तो थोड़ी देर में एटमॉस्फेयर में रह के ज़मीन पर गिरकर नष्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर वो किसी धूल के कण के ऊपर या बारूद के कण के ऊपर या धुएँ के कण के ऊपर अटक जाते हैं तो वो हवा में सस्पेंडेड रहते हैं, एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड रहते हैं, वहाँ पर वातावरण विद्यमान रहते हैं और वो अगर किसी ससेप्टेबल मरीज को लगे, व्यक्ति को चले गए तो उसे बीमारी का कारण बन सकते हैं। इसलिए एक ये संभावना बनती है कि पटाखों के जो कण हैं, पटाखों के बारूद या धूल के जो धुएँ के जो कण हैं, वो एक वायरस का कैरियर का काम कर सकते हैं, वायरस के वाहक का काम कर सकते हैं। चूँकि हम मोस्टली पटाखे खुले वातावरण में जलाते हैं, इससे ये कोरोना की संभावना थोड़ी सी क्षीण हो जाती है, कम हो जाती है, लेकिन नष्ट नहीं होती है, रहती है। तो ऐसी स्थिति में हमें अब इस दिवाली पर पटाखे चलाने से बचना चाहिए, हमें गवर्नमेंट की गाइडलाइन का पालन करना चाहिए कि हम पटाखे न चलाएं, हमारी खुशी किसी दूसरे के लिए नुकसान का कारण न बन जाए, हम ऐसा कोई कदम न उठाएं। सांस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, निश्चित रूप से। मैंने कहा ना कि फेफड़ों के लिए ये धुआं और जो बारूद के कण हैं, धूल के कण हैं, सांस के मरीजों को तो आग में घी का काम करते हैं और इस ठंड के मौसम में भी सांस की बीमारियां ज़्यादा होती हैं। तो एक तो ठंड का मौसम, पहले से मरीज सांस का बीमार और उसमें धूल धुआं बारूद वगैरह वगैरह वगैरह, तो उससे सांस के मरीजों की तीव्रता, जो उनकी बीमारी है उसकी तीव्रता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है।